आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,28,038 हो गई है, वहीं 6,557 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1,217 हो गई है, वहीं 11 लोगों की मौत भी हुई है। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। शुक्रवार को 50 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, साथ ही 47 मरीज कोरोना से जंग जीत डिस्चार्ज भी हुए हैं। फ्लाइट से दून लौटे 4 लोगों और महिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को 938 मामलों की रिपोर्ट मिली, जिसमें 888 की रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि 50 केस पॉजिटिव आए हैं। सर्वाधिक मामले जनपद देहरादून में हैं, जहां दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 नर्स एवं 1 इलेक्ट्रीशियन में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा फ्लाइट से दून लौटे 4 लोगों एवं महिला अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दून अस्पताल में पहले से भर्ती निरंजनपुर मंडी से जुड़े लोगों और त्यागी रोड के एक होटल स्वामी में भी कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा निजी लैब से टेस्ट कराने वाले एक व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसकी पड़ताल की जा रही है। इस खबर आई है आम आदमी पर मुकदमा, तो महाराज पर क्यों नहीं। तो हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मंत्री के साथ ही राज्य सरकार व देहरादून के डीएम व एसएसपी को भी नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि जब आम लोगों पर क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो मंत्री को क्यों बचाया जा रहा है। और इस बड़ी खबर आई है उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षाएं बची हुई हैं, इनके पेपर 20 जून से 23 जून के बीच होंगे। वहीं 12 जून से शुरू होगा परीक्षाओं का मूल्यांकन और 15 जुलाई तक चलेगा। और इस खबर आई है कोरोना से बचे और देवभूमि को भी बनाएं हरा भरा। तो पर्यावरण दिवस पर जगह जगह पर वृक्षारोपण किया गया है। इस खबर आई है अपने खर्च पर होटल में रहकर कराइए इलाज। तो कोरोना संक्रमित अब निजी खर्च पर होटल में रहकर भी अपना इलाज करा सकते हैं। और वहीं खबर आई है बाहर से 1310 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया है। तो बाहरी राज्यों से दून पहुंचे 1310 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो देहरादून से खबर आई, जहाँ पे देहरादून में आज और कल बाजार बंद रहेंगे, तो नई व्यवस्था लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। तो आज देखिए क्या क्या चीज़ बंद रहेंगी। तो सभी दुकानें बंद रहेंगी, राशन की दुकानें भी शामिल हैं, साथ ही देसी विदेशी मदिरा यानी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय एवं उपक्रम जो हैं, बैंक, निजी कार्यालय सब बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहन भी बंद रहेंगे। तो क्या क्या चीज़ें खुलेंगी आज, तो दवा की दुकानें खुली रहेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, गैस एजेंसी, फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, टिफिन सर्विस, मीट मछली की लाइसेंसी दुकानें खुली रहेंगी और उत्पाद से संबंधित औद्योगिक इकाइयां खुल रहेंगी। साथ ही यहां पे आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो वाहन हैं, एम्बुलेंस है, ये खुले रहेंगे। साथ ही स्वास्थ्य सेवा और पेयजल निगम, ये सब यहां पे खुले रहेंगे। तो माल देवता में होगी फल सब्जी की आपूर्ति। तो कोरोना संक्रमण के कारण निरंजनपुर मंडी सील की गई है, लेकिन शहर में फल सब्जी की उपलब्धता कम ना हो, इसके लिए अब माल देवता में फल सब्जी की आपूर्ति की जाएगी। तो चंद्र ग्रहण देखने के लिए छत पर करते रहे इंतजार। तो 3 घंटे 18 मिनट का था साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। तो रात 11:15 से शुरू हुआ और 2:34 तक चंद्र ग्रहण रहा। वहीं खबर आई है सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय इसी सत्र से पीएचडी शुरू करेगा। बाजारों में उमड़ी भीड़, शारीरिक दूरी भी नहीं। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं खबर आई है आज और कल शहर में किया जाएगा सैनिटाइजेशन। तो जगह जगह सैनिटाइजेशन का आज काम होगा। सोनू सूद ने उत्तराखंड के 172 प्रवासियों को फ्लाइट से देहरादून भेजा है। वहीं खबर आई है कॉर्बेट में मृत मिली बागिन में कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं। इस खबर आई है गैरसैंण बनेगी ई विधानसभा। तो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पर्यावरण दिवस पर यह जानकारी दी है।
गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर आई है जहां पे बड़ी जंग में खल रही संसाधनों की कमी, तो गिनती के चिकित्सकों के भरोसे चल रहे हैं जनपद पौड़ी के करीब 1500 क्वारंटाइन सेंटर। तो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार भले ही उम्दा सेवाएं देने की बात कर रही हो, लेकिन धरातल पर हकीकत दावों से पूरी तरह से उलट है। जनपद पौड़ी की बात करें तो यहाँ चिकित्सक की कुल सृजित पदों से 25% से अधिक पद खाली पड़े हैं। वहीं खबर आई है एक ही सेंटर में 14 प्रवासी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है जहां पे जनपद के खांकरा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 14 प्रवासियों की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनपद में एकाएक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो गोपेश्वर से खबर आई है जहाँ पे 15 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट निगेटिव आई है। गोपेश्वर की बात करें तो जिले में 31 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। तो चमोली जिले में शुक्रवार को 70 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई, 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चमोली जिले में प्रवासी की आमद से कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। और खबर आई रुद्रप्रयाग से जहाँ पे 924 लोगों को भारी पड़ा नियम तोड़ना। तो क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 924 लोगों को पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबर आई है वहीं पौड़ी जिले से जहाँ पे 30 जून तक पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। तो पौड़ी जिले में प्रमुख पर्यटन नगरी एवं छावनी शहर लैंसडाउन में 30 जून तक बाहरी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों को प्रवेश से रोक लगा दी गई है। और खबर आई है यात्रा के पक्ष में नहीं है गंगोत्री यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से खबर आई है जहाँ पर निर्माण कार्य से सीवर व पेयजल लाइन पर आफत पड़ा हुआ है। वहीं खबर है गलत तरीके से फीस लेने वालों पर केस होगा। और इस प्रकार से खबर आई है जहां पर रुड़की देवबंद मार्ग पर यूपी बॉर्डर के समीप सड़क धस गई है। और खबर आई है लक्सर से जहां पे बैंक में नकली नोट मिलने पर ग्रामीण ने काटा हंगामा। तो पंजाब नेशनल बैंक की निरंजनपुर शाखा में नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया, इससे लेकर ग्रामीण ने बैंक के बाहर जमकर हंगामा किया है। लक्सर से खबर आई जहां पे युवती लापता हो गई है। खबर आई है हरिद्वार से जहां पे भरभराकर पेड़ गिरा है जिससे जूस विक्रेता चोटिल हो गया है। बैदराबाद से खबर आई जहां पे एक की मौत दूसरे गुलदार से दहशत। तो गुरुवार देर रात सड़क हादसे में गुलदार की मौत होने के बाद दूसरे गुलदार से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रुड़की से खबर है जहां पे हैदराबाद के सराफा को लूटने की योजना बनाते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से 2 तमंचे, 2 चाकू और बाइक बरामद हुई है। भगवानपुर से खबर है जहां पे आंधी से 20 गांव की बिजली 10 घंटे तक गुल रही। रुड़की के आदर्श नगर से खबर है जहां पे शिक्षिका के खाते से 25,000 रुपये उड़ाए गए हैं। विकास नगर से खबर है जहां पे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया और रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया है। खबर है चकराता जौनसार बाबर से जहां पर अलग अलग सड़क हादसों में त्योनी के होमगार्ड की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर हैं। वही खबर आई है लाखा मंडल से, चकराता के लाखा मंडल से जहाँ पे लाखा मंडल में प्रसव पीड़िता को नहीं मिला चिकित्सा सेवा। ऋषिकेश की बात करें तो सोनू सूद ने 172 प्रवासियों को फ्लाइट से देहरादून भेजा। और वहीं खबर आई है 12 उड़ानों से 621 यात्रियों ने आवागमन किया है। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 12 उड़ानें संचालित हुई हैं। ऋषिकेश से खबर आई जहां पे ट्यूशन टीचर ने किया किशोरी से दुष्कर्म। तो मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। एक माह पुराने मामले का पता स्वजनों को तब चला जब शुक्रवार को किशोरी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। किशोरी के स्वजनों ने घर के पास ही रहने वाले ट्यूशन टीचर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसत खबर आई है सरकार की गाइडलाइन का इंतजार। तो 8 जून से खोले जा रहे हैं धार्मिक स्थल चारधाम यात्रा को लेकर के असमंजस में परिवहन व्यवसायी। अल्मोड़ा से खबर आई है जहां पे अल्मोड़ा में शिक्षक रविश ने 5,000 पौधे रोपने का संकल्प लिया है। वहीं खबर आई है प्रवासी की मौत के बाद हुई कोरोना की पुष्टि। तो रानीखेत से खबर आई जहां पे प्रवासी की संदिग्ध हालत में मौत के बाद उसके कोरोना पॉजिटिव निकलने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में संक्रमित प्रवासी की पत्नी व 2 पुत्रों समेत 6 लोगों को बेस अस्पताल में आइसोलेट कराया गया है।
अल्मोड़ा से खबर है जहां पे अल्मोड़ा में 5 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुमाऊं से कोरोना के 496 सैंपल गायब हो गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कुमाऊं के 1321 सैंपल की रिपोर्ट लंबित है, लेकिन मंडल स्तर की एकमात्र वायरोलॉजी लैब में केवल 825 सैंपल ही लंबित बताए जा रहे हैं। ऐसे में 496 सैंपल कहां गए इस पर विभागीय अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। वही खबर आई है, अब पिथौरागढ़ में भी कोरोना जाँच होगी। ईशद खबर है, हल्द्वानी से जहाँ पे 76 दिनों के बाद घर लौटने की उम्मीद पूरी हुई, तो काम की तलाश में कुमाऊं आए 684 प्रवासियों को लेकर के काठ गोदाम से बिहार के मोतिहार रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे 2 दिन बाजार बंद कराए जाएंगे सैनिटाइजेशन, तो हल्द्वानी में भी 2 दिन तक बाजार बंद रहेंगे। वहीं खबर है बीएसएनएल से जहाँ पे तनख्वाह नहीं दी, नौकरी भी छीन ली गई है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, 4 संक्रमित मिले हैं। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे बजरंग दल के नेता ने महिला से दुष्कर्म किया है, तो पीड़िता ने 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। तो बजरंग दल के पूर्व प्रांत सह संयोजक के खिलाफ एक महिला ने शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म करने और लाखों रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहाँ पे सोमवार से टैक्सी संचालन बंद करने का ऐलान किया गया है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे चेकिंग के दौरान महिला दरोगा से धक्का मुक्की की गई है। वहीं हल्द्वानी में खबर है जहाँ पे मौसम के बदलते मिजाज ने गर्मी से थोड़ी राहत दी है। शुक्रवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, जिससे शहर का अधिकतम तापमान 27.5 और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस बना रहा। खबर आई है हल्द्वानी में सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है। पिथौरागढ़ से खबर आई है जहां पे घास काट रही महिलाएं मलबे में दबी हैं, एक की मौत हो गई है। तो तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर जुम्मा गांव में घास काटने के दौरान निर्माणाधीन सड़क पर मलबा गिरने से 4 महिलाएं दब गई, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गई हैं। वहीं दूसरी खबर आई है बाइक चट्टान से टकराई, एक ने जान गंवाई है, 2 घायल हैं। तो धारचूला से खबर आई है, और इस खबर आई है लकड़ी लेने गए बुजुर्ग को बाघ ने लहूलुहान किया है। तो टनकपुर से खबर आई जहां पे लकड़ी बीने जंगल में एक बुजुर्ग की शुक्रवार को करीब 10 बजे बाघ ने अपना निवाला बनाकर लहूलुहान कर दिया। और खबर आई है दिवंगत वित्त मंत्री पंत की प्रथम पुण्यतिथि पर ओपन जिम का शुभारंभ किया गया है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है जहाँ पे दिवंगत वित्त मंत्री प्रकाश पंत की प्रथम पुण्यतिथि पर जिले भर में लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनकी स्मृति में बनाए गए नगर निगम में पहले ओपन जिम का शुभारंभ किया गया है। उधमसिंह नगर से खबर है जहाँ पे बॉर्डर पर आने जाने को लेकर के असमंजस हुआ दूर, ई पंजीकरण दिखाने पर ही प्रवेश। तो लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच आवाजाही को लेकर के सीमा पर बन रही असमंजस की स्थिति पर पुलिस ने साफ कर दिया है। पुलिस का कहना है कि शासन के निर्देशों के मुताबिक आने जाने वालों को वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने पर वह आ जा सकते हैं। इस दौरान बॉर्डर पर स्वास्थ्य जांच और 7 दिनों तक उन्हें होम क्वारंटाइन भी किया जाएगा। तेजी से हो रहा है कैदियों की जाँच, तो खबर आई सितारगंज से। वहीं खबर आई है रामपुर से जहां पे पेट्रोल पंप लूटकांड में महिला समेत 2 पकड़े गए हैं। खटीमा में 12 वर्षीय किशोर संक्रमित मिला है, तो मुंबई से माता पिता बहन के साथ लौटा 12 वर्षीय बालक कोरोना पॉजिटिव मिला है। और खबर आई है वहीं बाजपुर से जहाँ पे प्रशासन ने बाजपुर दोराहा से धार्मिक स्थलों को हटाया है। वहीं खबर आई है उत्तराखंड से जहाँ पे उत्तराखंड के न्यायालयों में 2,30,000 केस अभी भी लंबित पड़े हुए हैं।